The joy of the cross. Ki cross ka anand. And how many joys we looked into? Aur kitne prakar ke anand ke bare mein humne baat kiya? There are two. And what is the total? There are three joys of the cross. और तीन क्रूस के वो आनंद है जिनके बारे में मैं बात कर रहा था. थ्री फोल्ड जॉय, तीन प्रकार का वो आनंद जो हमें क्रूस से मिलता है. नाउ क्रॉस इज नॉट अ प्लेसेंट एक्सपीरियंस. और जो क्रूस है ये बहुत अच्छा स्थान नहीं है. इट वॉज द मोस्ट शेमफुल टेरिबल एक्सपीरियंस दैट एनी ह्यूमन बींग कैन गो थ्रू under the Roman government. और ये तो उस प्रकार का एक बहुत ही लज्जित करने वाला, बहुत ही दर्द देने वाला एक ऐसा सख्त सजा थी जो रोमियों की सरकार के दौरान किसी को भी मिल सकती थी. It is easily cannot be described the problems that a person faces when he hangs on the cross. और इस बात को आसानी से समझाया और बताया नहीं जा सकता कि किन प्रकार की समस्याओं का सामना वो व्यक्ति करता है जिसे क्रूस पर लटकाया जाता है. The crucified criminals would not die so easily. और वो जो क्रूस पर चढ़ाया गया जो पापी होता था उसे आसानी से मृत्यु नहीं आएगी. Sometimes it takes more than 3 days for a person to die. और कई बार तो वो 3 दिन लग जाते थे उस व्यक्ति को मरने में. So in order if anybody has any compassion on that person, the soldiers would go and break his legs. तो यदि किसी को उसके ऊपर दया आ जाती तो वो सैनिक उसके घुटनों को तोड़ देते ताकि वो जल्दी मर जाए. Then there are other emotional agony. और ऐसी कई प्रकार की दूसरी मानसिक परेशानियां और दर्द हैं. आई टॉक टू यू अबाउट द लोनलीनेस ऑफ द क्रॉस. मैंने आपसे बात किया वो जो क्रूस का अलगाव या अलगपन है जो हम पाते हैं. पर्सन हैंगिंग ऑन द क्रॉस. वो जो व्यक्ति है जो क्रूस पर लटका हुआ है. नो फ्रेंड्स आर अराउंड, नो रिलेटिव्स आर अराउंड, नोबडी. और कोई भी दोस्त, कोई भी मित्र या कोई भी पारिवारिक जन या लोग उसके आसपास नहीं है. एक्सेप्ट द क्रूअल सोल्जर्स. खाली वो जो दुष्ट सैनिक वही उसको घेरे हुए हैं. एंड स्पेशली द लोनलीनेस दैट जीसस एक्सपीरियंस्ड वाज समथिंग दैट नो ह्यूमन बीइंग कुड अंडरस्टैंड. और जो एकांत प्रभु यीशु मसीह ने महसूस किया उस एकांत को कोई भी मनुष्य कभी नहीं समझ सकता. I cannot describe it. और मैं भी उस बात को नहीं बता सकता. The loneliness of Christ. जो एकांत जो प्रभु यीशु ने सहा. So the loneliness of the cross is unbearable. तो वो क्रूस का जो अकेलापन है उसे हम देखते हैं. And then there is the shame of the cross. तो हम वो देखते हैं क्रॉस का, क्रूस का लज्जित किया जाना. The Bible says anyone who hangs on the tree is cursed. और भाई वचन तो बताता है कि जो कोई भी उस वृक्ष पर लटकाया गया है वो श्रापित है. So it's a shame for any human being to go to the cross. तो ये तो एक बहुत ही शर्मनाक बात है किसी भी इंसान के लिए कि उसे क्रूस पर लटकाया जाए. And then the agony of the cross. और फिर वो दर्द जो उस क्रूस पर हम देखते हैं. Jesus went through all these terrible situations when he went to the cross. और यीशु मसीह इन सारी समस्याओं से और मुश्किलों से होकर के निकला जब उसे उस क्रूस पर लटकाया गया. Was he a criminal? क्या वो पापी था? Only a worst kind of criminal is crucified. जो सबसे बुरे प्रकार के पापी होते थे, दुष्ट होते थे, केवल उन्हें ही क्रूस पर लटकाया जाता था. Was Jesus a criminal? क्या यीशु मसीह पापी था? Not पापी. Criminal का हिंदी क्या है? गुनहगार. अपराधी. Was he? No. No. How many will say no? आप में से कौन कौन कहता है ना? No government, no court, no lawyer could convict him even for a single sin.
और कोई भी न्यायाधीश या कोई भी वकील उसको ये साबित नहीं कर सकता था कि उसके पास या उसके अंदर एक भी पाप पाया जाए. He was sinless. वो तो पाप रहित था. Pure. और शुद्ध था. And perfect. और सिद्ध था. But then why did he go to the cross? लेकिन फिर भी वो क्रूस पर क्यों चढ़ा? Well, the highest authority of Roman government in Jerusalem at that time was Pilate. और जो सबसे बड़ा अधिकार रखने वाला व्यक्ति था यरूशलेम में रोमियो सरकार के द्वारा वो था पिलातुस. He questioned Jesus. और उसने भी यीशु मसीह से पूछताछ की, सवाल पूछे. He heard his enemy's argument. और उसने सुना कि जो यीशु मसीह के विरोध करने वाले हैं उनका क्या कहना है. What was his conclusion? और उसने क्या निष्कर्ष निकाला? His conclusion was, I found no fault with him. और उसने इस प्रकार का निष्कर्ष निकाला कि मैंने तो इस व्यक्ति में किसी भी प्रकार का दोष नहीं पाया. Nevertheless, he was compelled by the crowd to crucify him. लेकिन फिर भी भीड़ ने उसे मजबूर कर दिया कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने का वो आदेश दे. Because the crowd threatened him, if you don't crucify him, then you are no friend of Caesar. That means he will lose his job. तो क्योंकि भीड़ ने उसके अंदर वो डर को पैदा किया कि यदि तुमने यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़ाया तो तुम कैसर के मित्र नहीं कहलाओगे. That was only reason. और यही वो कारण था. Not because Jesus was a criminal. इसलिए नहीं क्योंकि यीशु एक पापी था या गुनहगार था. On the other hand, in his stead, they released a worst criminal who was spending his time in the prison. लेकिन यीशु के स्थान पर तो उन्होंने बहुत बड़े और बड़े गुनहगार को वहां से आजाद कर दिया जो अपने समय को जेल में काट रहा था. See, even today it is like this. और आज के दिन में ऐसा ही हम पाते हैं. It all depends on your influence and your money power. ये सब कुछ उस बात पर निर्भर है कि आपके पास कितना स्रोत है और कितना पैसा है. Now, if you have a plenty of money, you can buy justice. अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप न्याय खरीद सकते हैं. But those who needs to be given justice, they are denied. लेकिन जिनको न्याय की आवश्यकता है उन्हें वो न्याय नहीं मिलता. So this kind of things existed even at that time. और इस प्रकार की चीजें उस समय भी पाई जाती थी. What do you call it? आप इसे क्या कहेंगे? You call it भ्रष्टाचार. Corruption. That is what we have in our nation today. और उसी प्रकार से हमारे देश में भी आज के दिन हम इसे पाते हैं. So he was wrongfully, legally, wrongfully put on the cross. और न्यायिक रूप से तो उन्हें गलत तरीके से उस क्रूस पर चढ़ाया गया था. But on the other hand, लेकिन दूसरे हाथ पर, nobody could have put him on the cross. कोई भी उसे उस क्रूस पर चढ़ा नहीं सकता था. Nobody could kill Jesus. और यीशु को कोई भी मार नहीं सकता था. And Jesus said so. और यीशु ने तो खुद ऐसा कहा. He said, nobody takes my life. उसने कहा कि मेरा जीवन कोई नहीं ले सकता. But I lay down my life. लेकिन मैं अपने जीवन को खुद दे देता हूँ. I have the power to lay it down. और मेरे पास वो अधिकार है, वो सामर्थ है कि मैं इसे दे दूँ. I also have the power to take it back. और मेरे पास वो सामर्थ है कि मैं इस जीवन को वापस भी ले दूँ. That's what happened. और यही हुआ. Normally it would take a minimum of 3 days for a crucified one to die. कम से कम 3 दिन एक क्रूस पर चढ़े व्यक्ति को लगते हैं. How many hours Jesus was on the cross? कितने घंटे यीशु मसीह उस क्रूस पर था? Only 6 hours. सिर्फ 6 घंटे. Why? क्यों? Because nobody could kill him. क्योंकि कोई भी उसे मार नहीं सकता था. He laid down his life. लेकिन उसने खुद अपने जीवन को रख दिया उस क्रूस पर. For whom? किसके लिए? For sinners like you. हम जैसे पापियों के लिए. For sinners like me. वो हमारे जैसे पापियों के लिए. Unworthy. जिनकी कोई योग्यता नहीं. Undeserving. जो किसी भी अनुग्रह के योग्य नहीं. The only thing we deserve was hellfire. और सिर्फ एक बात जिसके योग्य हम थे वो था नर्क की वो आग. So to set us free from that hell. तो हमें उस नर्क से अलग करने के लिए. All the condemnation of a sin.
और उस पाप के दोष को से हमें अलग करने के लिए instead of me suffering और मेरे उस दुख को उठाने के बजाय physically Jesus took upon himself प्रभु यीशु ने शारीरिक रूप से उन सारे दुख और दर्द को अपने ऊपर ले लिया it is for our sake ये सिर्फ हमारे लिए उसने किया how grateful are you आप कितने धन्यवादित हैं आज की सुबह what is your response to such kind of love और आपका क्या उत्तर है इस प्रकार के प्रेम के प्रति the minimum you can do is this जो सबसे कम आप कर सकते हैं वो ये है surrender your life to his lordship आप अपने जीवन को समर्पित कर दें प्रभु यीशु को and spend the rest of your life in serving him worshiping him And following him. और अपने पूरा जो बचा हुआ जीवन है आप उसकी सेवा में गुजार दें उसके पीछे चलने में गुजार दें Are you doing it? क्या आप इस बात को कर रहे हैं If there is one who is not yet following Jesus in this way. और यदि हम में से कोई भी एक जन भी यहाँ पर ऐसा है जो इस प्रकार से यीशु के पीछे नहीं चल रहा I plead with you. मैं आपसे अनुरोध करता हूँ Listen to the pleading of Jesus. आप यीशु के पुकारने को सुने Come unto me. मेरे पास आ जाओ. All of you who are lonely and who are suffering. वो जो अलग हैं, एकांत में हैं और मुश्किलों से होकर के गुजर रहे हैं. I will give you rest. और मैं तुम्हें वो शांति दूंगा. I will give you peace. और मैं तुम्हें वो शांति और आराम दूंगा. Have you come to him in that way? आप क्या इस प्रकार से यीशु के पास आए हैं? The only thing you can do is to serve him the rest of your life. एक ही बात जो आप कर सकते हैं कि अपने पूरे जीवन भर आप उसकी सेवा करें. So, but then the question is, why did he go through it? लेकिन सवाल तो ये है कि वो इस प्रकार क्रूस पर से क्यों होकर के गया? Because he looked beyond the cross. क्योंकि उसने क्रूस के परे देखा. Beyond the shame of the cross. और वो जो लज्जा जो आती थी क्रूस के साथ उसके ऊपर. He looked beyond the loneliness of the cross. और वो क्रूस के साथ जो एकांत आता था उसके परे देखा. And he looked beyond the pain of the cross. और वो जो दर्द उस क्रूस के साथ आता था उसके परे देखा. And he saw something glorious. और उसने देखा एक महिमा भरी बात. A joy filled his heart. एक आनंद ने उसके हृदय को भर दिया. He saw threefold joys. उसने तीन प्रकार के आनंदों को देखा. And when he saw these joys. और जब उसने इस आनंद को देखा. He gave himself willingly. To go through the cross. और उसने तब उसने खुद को दे दिया कि वो अपनी इच्छा अनुसार उस क्रूस पर चढ़ा दिया जाए. What was the first joy? वो पहला आनंद क्या है? First joy was he thought of glorifying his Father God in heaven. उसका पहला आनंद था कि वो अपने पिता परमेश्वर को जो स्वर्ग में है उसकी महिमा बढ़ा सके. How? कैसे? By fulfilling Father's will. कि वो पिता की इच्छा को पूरा कर सके पृथ्वी पर। Father's will was to provide you and me a way of salvation। और पिता की इच्छा थी कि आपको और मुझे वो उद्धार का एक रास्ता दिखा दे। So Jesus fulfilled it। तो यीशु ने इस इच्छा को पूरा किया। Thus he brought gladness into the heart of his father। और इसी प्रकार से वो अपने पिता के हृदय में आनंद को ले आया। And secondly, और दूसरी बात, what was the second joy? वो दूसरा आनंद क्या था? The joy of the highest personal achievement. वो आनंद जो व्यक्तिगत रूप से उसने पाया, वो आनंद. What is that? वो क्या है? The personal achievement was doing the will of God the Father. वो व्यक्तिगत रूप से पाया गया सबसे बड़ा जो बात उसके पास थी वो थी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। He came to do the business of his father. वो तो आया ताकि अपने पिता के कार्य को कर सके। And his business, father's business was for his son to go to the cross and die. और पिता का कार्य था कि पुत्र उसकी इच्छा अनुसार उस क्रूस पर चढ़े और खुद को बलिदान करे। So that was the second. Joy. और ये था वो दूसरा आनंद. He brought gladness to the father. और वो आनंद को पिता के हृदय में ले आया. He brought satisfaction to the father. और वो तृप्त होने की एक भावना को पिता के हृदय में ले आया. And thirdly. और तीसरा आनंद. We shall talk about the third joy. और आज की सुबह हम बात करेंगे उस तीसरे आनंद के बारे में. As a result of all this, what is the third joy?
और इन सारी बातों के फलस्वरूप आपको क्या लगता है कि वो तीसरा आनंद क्या होना चाहिए? The joy of saving souls. उसका तीसरा आनंद था आत्माओं को बचाने का आनंद. Amen. What is the third joy? वो तीसरा आनंद क्या है? What is the first one? पहला आनंद क्या है? To bring glory to God the Father. कि परमेश्वर पिता के लिए महिमा को लाए. What is it? बोलिए ना, सब लोग बोलिए. परमेश्वर को, परमेश्वर पिता को महिमा लाना. What is the second joy? और दूसरा आनंद क्या है? To complete perfectly the Father's business. और सिद्ध रूप से पिता के कार्य को पूरा कर दे. What is the Father's business? और पिता का वो कार्य क्या है? To open up a way of salvation. वो कार्य है कि वो मोक्ष के उस रास्ते को, उद्धार के उस रास्ते को सबके लिए खोल दे. All mankind to come to him. ताकि पूरी मनुष्यता उसमें आ जाए. Hallelujah. That is what is meant when he cried from the cross, it is finished. और इसी बात को वो कहना चाहता था जब उसने क्रूस से कहा अंतिम बात को कि अब ये समाप्त हुआ. Now, the third joy. और अब हम बात करेंगे उस तीसरे आनंद के बारे में. The joy of saving souls. आत्माओं को बचाने का आनंद. Amen. Can we all shout it together? क्या हम एक साथ मिल करके इसे बोल सकते हैं? आत्माओं को बचाने का आनंद. बचाने का आनंद. Oh yes, there is a joy when you are able to save somebody from the greatest danger. और एक आनंद हमारे हृदयों को भर देता है जब हम किसी को एक बड़े खतरे से बचा सकते हैं. Is it not true? क्या ये सही है? That on your way you saw somebody burning in the fire. कि आप जा रहे थे और रास्ते में आपने देखा कि कोई व्यक्ति उस आग में फंसा हुआ है. Nobody is around. और कोई भी उसके आसपास नहीं है. Or somebody drowning in a lake. या मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति जो एक नदी में डूब रहा है. Nobody is around. और कोई भी आसपास नहीं है. No boatman. और कोई भी नाविक भी आसपास नहीं है. No one who knows the swimming. और किसी को भी तैरना नहीं आता. But you know swimming. लेकिन आपको तैरना आता है. Without thinking anything, you jumped into the river and you swam. And then you bring that life back. और बिना कुछ सोचे समझे आप नदी में कूद जाते हैं और तैरते हुए उस व्यक्ति को बाहर निकाल लाते हैं. You know what you will experience? आपको पता है आप क्या अनुभव करेंगे? You will experience a joy that nothing in this world can give. आपके अंदर एक ऐसा आनंद आ जाएगा जो इस संसार की कोई और दूसरी बात आपको नहीं दे सकेगी. You look at that young man or young woman. और आप उस जवान व्यक्ति की ओर देखेंगे. That person will consider you as what? As your savior. और वो व्यक्ति आपको किस रूप में देखेगा? अपने उद्धारकर्ता या बचाने वाले के रूप में. Right? Yeah, he is my savior. अरे इसने तो मुझे बचा लिया. And is there anything that you will not do for that person? और क्या आप उस व्यक्ति के लिए ऐसा कुछ भी होगा जो नहीं करेंगे? You will do anything in your power. To help him anytime. और आपके सामर्थ्य में जितना भी हो सकता है आप किसी भी समय उसकी सहायता करेंगे. You speak about your experience to others. और आप अपने इस अनुभव के बारे में दूसरों से बात करेंगे. You will say, when I had no hope. और जब मेरे पास आशा नहीं थी. Suddenly someone came like the angel of God. और तभी अचानक से एक स्वर्गदूत के समान कोई आ गया. Hallelujah. Hallelujah. Our God, our Jesus Christ, to save a person from sin and from eternal judgment, no human being can do. और एक मनुष्य को पाप और उस अनंत काल के न्याय को बचाने के लिए इस बात को कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता है. Only Jesus Christ can do it. लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही इसे कर सकता है. Hallelujah. That is the joy he saw. और उसी आनंद को उसने देखा. When he died on the cross. और जब वो उस क्रूस पर मरा. There was not a church. वहाँ पर कोई कलीसिया नहीं थी. In the world. पूरे विश्व में कोई भी कलीसिया नहीं थी. And there were only 12 disciples. और सिर्फ 12 चेले थे. But then what did Jesus see? लेकिन यीशु ने क्या देखा?
Jesus saw beyond the cross. यीशु ने उस क्रूस के परे देखा. 2019. कि 2019 में. September 22nd. सितंबर 22 तारीख को. There will be millions and millions and millions of followers of Him, followers of Jesus Christ, sitting in millions of places of worship, exalting His name, declaring Jesus Christ as Lord of their life. कि लाखों और लाखों विश्वासी लाखों जगह पर बैठ करके प्रभु यीशु के नाम को एक साथ ऊंचा उठा करके उसकी आराधना को कर रहे होंगे, इस बात को उसने देखा. Hallelujah. Not one or two. और ना एक और दो नहीं. Not just a few million. और कुछ लाखों नहीं. But crores and crores. Amen. Amen. And not only that. और ना सिर्फ इतना ही. Do you know that Jesus Christ is the only name which is worshipped non-stop in the world? क्या आपको पता है कि यीशु मसीह ही वो एकमात्र नाम है जिसकी आराधना पूरे विश्व भर में बिना रुके की जाती है? Not a single second goes by without somewhere in the world some people declaring him to be the Lord of their life. और एक भी क्षण ऐसा नहीं जाता जहां पर कहीं विश्व के किसी भी एक कोने में लोग उसे अपने जीवन का उद्धार करता कह करके उसकी आराधना ना कर रहे हो. Pakistan is a half an hour different from behind us. और जो पाकिस्तान है वहां का समय हमसे आधे घंटे पीछे है. So you go from country to country. आप देश से लेकर के देश की ओर बढ़े. Now this morning when we gather here. और आज की सुबह जब हम यहां पर इकट्ठा हुए. People in America are closing their day Saturday night and going to bed thanking God and praising God. और जो लोग अमेरिका में पाए जाते हैं वो अपने दिन की समाप्ति को कर रहे हैं और परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं दिन के लिए. So when you consider this time differences, time zone places. और जब आप इस समय के अंतराल को देखते हैं और परखते हैं. Somewhere in the world. और विश्व के किसी एक कोने में. Somewhere in some countries. और किसी एक देश में. Every moment. हर एक क्षण. People of God, Christian followers of Jesus Christ are gathering, selling, Jesus Christ is Lord. To the glory of God. प्रभु यीशु के चेले और उसके विश्वासी किसी एक जगह पर इकट्ठा होकर के उसकी आराधना को कर रहे हैं. There is no stopping. और कोई भी रुकना नहीं है. 24 hours. 24 घंटे. 7 days. और सातों दिन. Every moment. और हर एक क्षण. Jesus Christ is declared to be the Lord for the glory of God. और यीशु मसीह को घोषित किया जाता है परमेश्वर जीवनों का. Somebody testifying. और कोई गवाही देता है. Saved me. कि यीशु ने मुझे बचा लिया. He delivered me. उसने मुझे छुटकारा दिया. He delivered me from the power of Satan. उसने मुझे शैतान की शक्ति से from छुड़ाया. The power of alcohol. और मुझे वो नशे की शक्ति आदत से छुड़ाया. From the power of drugs. और वो नशा करने की जो आदत थी उससे मुझे आजाद किया. I was a murderer. और मैं तो खूनी था. But God Jesus saved me. लेकिन यीशु मसीह ने मुझे बचा लिया. Now I go around and save the life of people. और अब मैं आगे जाता हूं और लोगों के जीवन को बचाता हूं. Hallelujah. Hallelujah. Somebody is testifying. और कोई ना कोई इस बात की गवाही दे रहा है. Somebody is praising God. और कोई ना कोई उसकी आराधना कर रहा है. Jesus Christ is Lord. कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है. And in India. और भारत में. As we end the day. और जैसे ही हम इस दिन की समाप्त करते हैं. Hundreds and thousands of places they have evening services also. और कितने ही हजारों जगहों पर शाम की आराधना और प्रार्थना भी होती है. So this goes on and on. और ये चलता ही रहता है. As we go to sleep. और जैसे ही हम सोने के लिए जाते हैं. People in America waking up. और जो लोग अमेरिका में हैं वो जगते हैं. And as we stop our prayer saying amen. People in America say heavenly father. और जैसे ही हम अपनी प्रार्थनाओं को आमीन कह के रोकते हैं वैसे ही लोग जो अमेरिका में हैं वो कहते हैं हालेलुया. Saved by the power of the blood of Jesus Christ. हमें बचा लिया गया है प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के सामर्थ्य के द्वारा. Saved by the sacrifice of Christ. और हमें बचा लिया गया है प्रभु यीशु के बलिदान के द्वारा. हालेलुया. हालेलुया. Saved by the resurrection power of Jesus. और हमें बचा लिया गया है उसके पुनरुत्थान के सामर्थ्य के द्वारा. Changed
by the resurrection power. और बदल दिया गया है उसके पुनर्स्थान के सामर्थ्य के द्वारा. By the grace of God. और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा. In jungles of Africa. और अफ्रीका के उन जंगलों में. And in forests. और उन बड़े-बड़े जंगलों में. Amen. Amen. There are people worshiping God. वहाँ पर लोग पाए जाते हैं जो परमेश्वर का आराधना कर रहे हैं. Amen. Hallelujah. The Bible says. और वचन बताता है. The fishes and the whales in the sea. वो जो मछलियाँ और बड़ी-बड़ी जो whales हैं जो समुद्र में पाई जाती हैं. They make their music unto their Creator. वो उन आवाजों को उठाती हैं अपने रचना करने वाले के लिए. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Shall we lift up our hands? क्यों ना हम अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएं? Jesus saw that joy. और परमेश्वर ने उस आनंद को देखा. That is why Jesus endured the cross to experience the joy of saving you and me from sin. इसीलिए यीशु ने उस क्रूस को उठाया ताकि वो अनुभव कर सके उस आनंद का जो आपको और मुझे बचाने के बाद उसे मिलता है. Save us from sickness and diseases. और हमें बचा ले उन बीमारियों से और रोगों से. And then save us from our greatest dreadful enemy called death. और हमें बचा ले हमारे सबसे बड़े शत्रु जो कि मृत्यु है उससे. We were slaves. हम तो दास थे. He came to set us free. और वो आया ताकि हमें आजाद कर दे. We were guilty. और हम तो दोष में थे. And he came to cleanse us. लेकिन वो आया कि हमें शुद्ध कर दे. We were helpless. और हम तो असहाय थे. He came to rescue us. लेकिन वो आया कि हमें बचा ले. We were dead in our sins and in our trespasses. और हम तो ने पापों में और दुष्टता में मर चुके थे. He came to give us life. लेकिन वो आया कि हमें जीवन दे दे. We deserve nothing but eternal death in hellfire. लेकिन हम तो किसी और बात के योग्य नहीं थे लेकिन सिर्फ और सिर्फ अनंत काल की मृत्यु उस नर्क में. He came and died to meet our greatest need. और वो आया लेकिन और खुद को बलिदान कर दिया हमारी सबसे बड़ी जरूरत को पूरा करने के लिए. And fill us with peace. और हमें भर दिया अपनी शांति से. This is Jesus. ये है वो यीशु. This is the joy he saw. और इसी आनंद को उसने देखा. And when he saw, और जब उसने इस बात को देखा, he saw this congregation sitting here today. और उसने देखा इस सभा को, हम सब को जो आज की सुबह यहाँ बैठे हैं. He saw you. उसने आपको देखा. He saw you. उसने आपको देखा. He saw you. उसने आपको देखा. Hallelujah. Hallelujah. Saw you clapping your hands and praising him. उसने देखा आप अपने हाथों से ताली बजाते हुए उसकी आराधना को करते हुए. And the greatest rejoicing is happening in heaven. और आज के दिन सबसे बड़ा आनंद तो स्वर्ग में मनाया जा रहा है. Now think seriously this. आप ध्यान पूर्वक इस बात को सोचें. As far as you are concerned. और जहां तक आपकी बात है. Was the death of Jesus Christ in vain? क्या यीशु का मरना ऐसे में ही था? Yes, if you reject him. और इसका उत्तर तो हाँ है यदि आप उसका तिरस्कार करते हैं. If you reject him. और यदि आप उसका तिरस्कार करते हैं. His death was in vain as far as you are concerned. तो उसका मरना तो कोई उपयोग का नहीं. Let his death on the cross be your death to sin. होने दे उसका जो मृत्यु क्रूस पर हुआ वो आपका मृत्यु हो जाए पाप के प्रति. His death on the cross must become your death to sin. उसका मरना क्रूस पर हो जाए आपका मरना पाप के प्रति. Let the life he revealed on the first resurrection day morning be your life. और होने दो जो जीवन उसने प्रकट किया वो पहली सुबह पुनर्स्थान की सुबह में वो जीवन आपका जीवन हो जाए. As you live. और जैसे आप जीते हैं. Give completely your earthly life to him. आप होने दे अपने इस पृथ्वी के पूरे जीवन को प्रभु यीशु को दे दें.
and then live to fulfill His will and His plans for you. और आप जिएं कि उसकी इच्छा और योजनाओं को के अनुसार आप अपने जीवन को जिएं. What is His plan? उसका योजना क्या है? His plan. What is His will? उसकी इच्छा क्या है? His will is for you to believe in His Son Jesus Christ and become changed. Become a new creation. उसकी इच्छा यह है कि आप उसके पुत्र प्रभु यीशु पर विश्वास करें और बदल जाएं. Serve him and worship him. उसको उसकी सेवा करें और उसकी आराधना करें. What is his plan? उसकी योजना क्या है? His plan is for you to live with him and reign with him. उसका योजना तो यह है कि आप उसके साथ जिएं और उसके साथ ही शासन करें. Amen. Amen. Don't you want it? क्या आप ये नहीं चाहते? Don't miss it. आप ये नहीं चाहते? For a few minutes pleasure of this life, don't sell your soul into hell. कुछ क्षण के मजे के लिए, आनंद के लिए आप अपनी आत्माओं को बेचे ना उस नर्क में. Does sin have pleasure? क्या पाप को करने में मजा या आनंद आता है? Sure. हाँ. There is some pleasure. आनंद तो आता है. But how long that pleasure lasts? लेकिन वो आनंद कब तक रहेगा? 5 minutes. 5 minutes. 10 minutes. 10 minutes. Not more than that. उससे ज़्यादा नहीं. After that what? उसके बाद क्या होगा? You go back again into the miserable, guilty life. उसके बाद अब वापस फिर से उस दोषित जीवन की ओर चले जाते हैं. Don't do that. आप ऐसा बिल्कुल ना करें. There is an eternity waiting for you to live with God and reign with Him. क्योंकि एक अनंत काल का जीवन आपका इंतजार कर रहा है प्रभु यीशु के साथ जीने और शासन करने के लिए. So I say. इसलिए मैं कहता हूँ. Determined to live to glorify God in your life. कि आप इस बात को इच्छा करें और इसके प्रति अपने कार्य को करें कि आप जिएं प्रभु यीशु की महिमा के लिए. So that others will come to your Savior. ताकि दूसरे आपको देख करके आपके उद्धारकर्ता की ओर आ जाएं. And be saved by His death and by His resurrection power. और उसके द्वारा बचा लिए जाएं जो बलिदान उसने क्रूस में दिया और उस पुनरुत्थान के सामर्थ के द्वारा. You're saved by His death on the cross. बचा लिए जाएं उसकी मृत्यु के द्वारा उस क्रूस पर. And you live by His resurrection power. और आप उसके जिए उसके पुनरुत्थान के सामर्थ के द्वारा. Hallelujah. Hallelujah. So that resurrection, you have a part in His death and also in His resurrection. और आपका एक भाग है उसकी मृत्यु में और उसके पुनरुत्थान में भी. In closing. और आज के दिन. Jesus Christ is coming. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह आ रहा है. And is coming sooner than you realize. और उसका आना बहुत जल्दी है जितने आप सोच भी नहीं सकते. He is at the door. वो तो दरवाजे पर खड़ा है. I say it again. और मैं फिर से कहता हूँ. The time is short. वो समय बहुत कम है. We don't have many more days to live and enjoy and then change and then become holy. No, no more time. हमारे पास अब और दिन नहीं है कि हम अपने अनुसार जिएं और फिर जीवन को समर्पित करके क्षमा मांग करके शुद्ध हो जाएं. In second Peter chapter 3 verses 3 to 7 it describes. और दूसरा पत्रस उसका तीसरा अध्याय तीसरे वचन से लेकर के सातवें वचन में पत्रस इस बात को बताता है. He will come. कि वो आएगा. There will be mockers and laughers. In the last day. और अंतिम दिनों में हम ठट्टा करने वाले और मजाक करने वालों को भी पाएंगे. Laughing at the idea of the coming of the Lord Jesus. और वो तो हंसते हैं इस बात को सुन करके कि यीशु का दूसरा आगमन होगा. But don't look at them. लेकिन उनकी ओर ना देखें. Because their condemnation is at the door too. क्योंकि उनका तो दोष और न्याय भी दरवाजे पर खड़ा है. The second coming of Jesus may not happen. This is what some people say. और हो कई लोग तो ऐसा कहते हैं कि प्रभु यीशु का दूसरा आगमन नहीं होगा. This is what the spokesperson of Roman Church in Vatican said.
और इसी बात को जो वेटिकन में जो जो वर्ता करने वाले जो व्यक्ति हैं उस चर्च के उस कलीसिया के उस बात को उन्होंने कहा. इट इज एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट. उन्होंने एक ऑफिशियल इस बात की घोषणा करी दैट द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस मे नॉट हैपन नाउ आफ्टर ऑल. कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन अब तो नहीं होगा. बिकॉज इट अपीयर्ड टू बी सो. क्योंकि ऐसा ही दिखता या लगता है. दैट्स व्हाट ही सेड. और इसी बात को उसने कहा. But nevertheless, लेकिन फिर भी, they encouraged the followers still to continue with their faith, regardless of the news. लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि जितने विश्वासी हैं, वो विश्वास में आगे बढ़ते जाएं. So what are you living for? तो आप किस लिए जी रहे हैं? For this world, इस संसार के लिए, and the world's pleasures, और संसार के लालसाओं के लिए, do you think you will be able to fulfill all your desires? क्या आपको लगता है आप अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं? You may not be. आप नहीं, ऐसा नहीं कर सकते. You know the there is a disturbing trend that I am noticing these days. और मैं बताना चाहता हूं कि आज के दिनों में एक बहुत ही परेशान करने वाली बात को मैं देखता हूं. People are dying. लोग मर रहे हैं. Not because of their sickness or old age or weakness or lack of money or any facilities, anything, nothing like this. लोग मर रहे हैं इसलिए नहीं कि उन्हें कोई बीमारी है या कोई किसी सुख सुविधा की कमी है. People are dying unexpectedly and suddenly. और लोग तो मर जा रहे हैं बिना किसी एक क्षण में, बिना किसी उस बात को जाने या समझे. This news keeps coming every other day. और इस प्रकार के जो समाचार है वो प्रतिदिन आते रहते हैं. Even yesterday I received a news. और कल भी मैंने एक इस प्रकार के सूचना को सुना. Someone known to me. और एक ऐसा व्यक्ति जिन्हें मैं जानता हूँ. Just 49 years old. और सिर्फ 49 साल के वो हैं. Suddenly. अचानक से. Just collapsed and died. वो गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई. They don't get even 5 minutes to go to the hospital. और उन्हें 5 मिनट भी नहीं मिले कि वो हॉस्पिटल तक जा सके. People are dying like this. Young people. लोग ऐसे ही मर रहे हैं और जवान भी. This morning we prayed for an 11-year-old girl. और आज की सुबह हमने पहली सभा में प्रार्थना किया एक 11 साल की बच्ची के लिए. A beautiful girl. एक बहुत ही सुंदर बच्ची के लिए. Suffering from cancer. और उसे कैंसर है. Going through this chemotherapy. और वो कीमोथेरेपी से होकर के निकल रही है. But we are believing for a miracle. लेकिन हम तो विश्वास कर रहे हैं एक चमत्कार के लिए. But this kind of news is coming very often now. और इस प्रकार की सूचनाएं तो बहुत बार और कई बार मुझे सुनने के लिए मिलती हैं. Suddenly people are going. कि अचानक से ही लोगों की मृत्यु हो जाती है. Who are going? कौन जा रहे हैं? Multimillionaires. जो सब करोड़पति हैं. Well-to-do people. और बहुत अच्छे जीवन शैली को रखने वाले. Educated people. और बहुत पढ़े लिखे लोग. Time is short. For us. समय बहुत कम है हमारे लिए. When death come knocking at the door. जब मृत्यु आती है आपके दरवाजे को खटखटाते हुए. Will you able to go to the door and say, wait a minute, I am not ready yet. I will call you when I am ready. क्या आप दरवाजे को खोल करके मृत्यु से कह सकते हैं कि तुम अभी रुक जाओ, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मैं तैयार होकर के आती हूँ. Before you finish the sentence, he is already in. जिससे पहले कि आप इस बात को खत्म करें, वो पहले ही दरवाजे से अंदर आ चुकी है. Death waits for no one. और जो मृत्यु है वो किसी का भी इंतजार नहीं करती. Therefore, live with eternity in view and not this present life. इसलिए आप जिए उस अनंत काल की जीवन को अपने दिमाग में रखते हुए, ना कि इस सांसारिक जीवन को. And therefore, इसलिए be ready. To go anytime. इसलिए तैयार रहें कि हमें नहीं पता वो मृत्यु कब आएगी, इसलिए आप हर क्षण तैयार रहें. Life is a very serious matter.
क्योंकि ये जो जीवन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. Treat your life seriously. इसलिए आप अपने जीवन को बहुत सावधानी से संभाले और इसके संग व्यवहार करें. Life is very precious. क्योंकि ये जीवन बहुमूल्य है. Life will not mistreat you. और ये जो जीवन है ये आपके संग बुरा व्यवहार नहीं करेगा. Life will not try to destroy you. और जीवन आपका नाश करने की कोशिश नहीं करेगा. It is you who mistreat life. लेकिन ये तो हम हैं जो जीवन का विनाश करते हैं. And then destroy yourself. और उसके बाद खुद का नाश करते हैं. Life itself is given to you by God. क्योंकि जीवन तो खुद परमेश्वर ने दिया है. For one purpose. सिर्फ एक उद्देश्य के लिए. That you will live for His glory. कि हम उसके महिमा के लिए जी सकें. And prepare yourself to meet your Creator. और खुद को तैयार कर सकें कि अपने रचना करने वाले के संग भेंट कर सकें. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष.